अभी हम बात कर रहे हैं आर्थिक परिदृश्य की। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह आपका है 4th वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आप वो वीडियो पहले देखें और फिर ये वीडियो 4th वीडियो देखें, आर्थिक परिदृश्य। तो भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा कब की है? 23 नवंबर को की है। और यह ट्रेन यानी भारत गौरव ट्रेन है वो मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के अलावा पर्यटन क्षेत्र को समर्पित रेलवे का 3रा अनुभाग होगी। तो भारत गौरव इन ट्रेनों को निजी क्षेत्र व IRCTC द्वारा चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए 3033 रेल डिब्बों या 190 ट्रेनों को चिन्हित किया गया है। देश के पर्यटन के बारे में और जानकारी देने के लिए चलाई जाने वाली भारत गौरव ट्रेनों के लिए प्राइवेट कंपनियों को किराया, थीम, ट्रेन का रूट, सर्किट और सुविधाएं आदि संबंधित निर्णय स्वयं करने का अवसर मिलेगा, प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा अवसर। और पहली भारत गौरव ट्रेन के जनवरी 2022 तक शुरू होने की संभावना है, यानी 2022 तक ये शुरू हो जाएगी पहली बार ट्रेन। यह थीम आधारित ट्रेन होगी और यथा गुरु कृपा जैसी ट्रेन उन सभी स्थानों को कवर करेगी जो गुरु नानक से संबंधित है, या रामायण थीम वाली ट्रेन जो भगवान राम से संबंधित स्थानों पर जाएगी। इससे देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल सकेगा। ये कोई नियमित ट्रेन नहीं होगी तथा कोई भी टूर ऑपरेटर इन ट्रेनों को लीज पर ले सकेगा। ओके, अगला है RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का शुभारंभ। छोटे निवेशकों और सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश का नया अवसर प्रदान करने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम की शुरुआत 12 नवंबर को की गई है। इस योजना के तहत छोटे निवेशक आसानी से भारतीय बैंक RBI बैंक से अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रखरखाव कर सकेंगे। इस स्कीम का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लिए खुदरा निवेशकों को ऑनलाइन मंच के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना है। अब है खुदरा निवेशक RBI के साथ अपना गिल्ड सिक्योरिटीज अकाउंट भी खोल सकते हैं। इन खातों को रिटेल डायरेक्ट गिल्ड खाता कहा जाएगा। स्कीम के तहत खुदरा निवेशक प्राइमरी और सेकेंडरी बाजारों में गवर्नमेंट को ऑनलाइन खरीद और बेच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे। RBI एकीकृत लोकपाल योजना 2021। तो ये क्या है? ये रिटेल डायरेक्टर स्कीम के अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा RBI एकीकृत लोकपाल योजना भी शुरू की गई है, वो भी 12 नवंबर को शुरू की गई है। इस योजना में क्या है, RBI की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 और 3रा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 को एकीकृत करती है तीनों स्कीमों को। ठीक है, कौन सी? RBI लोकपाल, एकीकृत लोकपाल योजना, इन तीनों को एकीकृत करेगी। RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के लिए एक पंजीकृत योजना एकीकृत योजना है। इसके माध्यम से ग्राहक केवल एक पोर्टल पर बैंकों से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, बल्कि इसके अलावा यूजर डॉक्यूमेंट और स्टेटस ट्रैक और फीडबैक भी दे सकते हैं। RBI द्वारा बनाई गई यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का लागत मुक्त निवारण प्रदान करेगी। और एकीकृत लोकपाल योजना के द्वारा एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ एक लोकपाल की अवधारणा को साकार किया जा सकेगा। इस योजना का लाभ क्या है कि ग्राहकों को अब इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होगा कि उसे किस लोकपाल के तहत शिकायत करनी है, यानी तीनों को एक ही कर दिया तो एक ही पोर्टल बना दिया तो वहीं पर शिकायत होगी। इस योजना के तहत RBI बैंक के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे। ठीक है, और आधार वर्ष में बदलाव के साथ नई मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला जारी। ये है कि श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला 24 नवंबर को जारी की गई है।
आधार 2016 के बराबर 100 के साथ WRI इंडेक्स की नई श्रृंखला 1963-65 बराबर 100 आधार के साथ पुरानी श्रृंखला की जगह लेगी। तो मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में यह परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आदि की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। यह श्रृंखला उद्योगों की संख्या, नमूने के आकार, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसाय और उद्योगों के भारांश आदि के मामले में दायरा और कवरेज को बढ़ा दिया गया है। आधार 2016 के साथ नई WRI श्रृंखला प्रति वर्ष 1 जनवरी से 1 जुलाई को बिंदु दर बिंदु अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष में 2 बार संकलित की जाएगी। नई WRI बास्केट में कुल 37 उद्योगों को कवर किया गया है, जबकि 1963-65 वाली श्रृंखला में 21 उद्योगों को ही सम्मिलित किया गया था। नई श्रृंखला के तहत चयनित 37 उद्योगों में विनिर्माण क्षेत्र से 30 उद्योग हैं और खनन क्षेत्र से 4 और बागान क्षेत्र से 3 उद्योग शामिल हैं, जबकि पुरानी श्रृंखला में विनिर्माण उद्योग से केवल 14 थे और खनन से 4 और बागानी से 14 शामिल थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक है ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी। अब है केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के वर्ष 2020-21 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। तो ये अनुमान कब जारी किए गए, 29 अक्टूबर को जारी किए गए, जो विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान है। इस अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन का रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है और इसमें 2019-20 की तुलना में 10.6 टन की वृद्धि यानी 3.3 की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं इसमें बागवानी फसलों का ये तीसरा अग्रिम अनुमान है। इसमें फल 2020-21 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 में ये 102.1 मिलियन टन ही था, यानी इसमें भी वृद्धि हुई है फलों के में। और सब्जियों के उत्पादन में 2019-20 में सब्जियों का उत्पादन हुआ था 188.3 मिलियन टन और अब की बार जो सब्जियों का उत्पादन है वो भी बढ़ा है, 4.8% की इसमें वृद्धि हुई है, अब बढ़कर हो गया है 197.2 मिलियन टन। तो अभी फल, सब्जी और इन दोनों में क्या है, वृद्धि हुई है इनके उत्पादन में। और प्याज का अनुमानित उत्पादन है 26.8 मिलियन टन 2019-20 में, और 2019-20 में ये कितना था, 26.1 मिलियन टन, यानी प्याज के उत्पादन में भी अनुमानित उत्पादन में वृद्धि दिखाई गई। आलू का अनुमानित जो है उत्पादन वो है 2020-21 में 54.2 मिलियन टन, जो जबकि ये पहले कितना था, 5.6 मिलियन टन अधिक है, पहले ये कम था। तो 2019-20 में ये कितना हो जाएगा, 5.6 मिलियन टन अगर 54.2 मिलियन टन से घटा देंगे तो 2019-20 का उत्पादन आ जाएगा, यानी इसमें भी क्या है, बढ़ोतरी है। टमाटर का अनुमान जो अनुमानित उत्पादन है वो 2020-21 में 21.01 मिलियन टन है, जबकि ये पहले कितना था, 2019-20 में 20.6 मिलियन टन था। अब है सुगंधित व औषधीय फसल है, उसमें 2019-20 का उत्पादन 0.73 मिलियन टन ही था, लेकिन अब वो बढ़कर कितना हो गया, 0.73 मिलियन टन था 2019-20 में, तो अब वो बढ़कर कितना हो गया 2020-21 में, 0.78 मिलियन टन, यानी 6.2 की वृद्धि दर्ज की गई है। अब है वृक्षारोपण फसल, तो वृक्षारोपण फसल में 2019-20 में था कि 16.1 मिलियन टन था उत्पादन, और जो बढ़कर कितना हो गया, 16.6 मिलियन टन हो गया। मसालों का उत्पादन 2019-20 में 10.1 था मिलियन टन था, जो कितना हो गया है 2020-21 में, 10.7 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। और ये इसका 2019-20 और 2020-21 के अनुमान की ये की गई है तुलना,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ। इसका शुभारंभ 27 अक्टूबर को किया गया। उद्देश्य क्या है? कृषि उपज और हवाई परिवहन की बेहतर एकीकरण और परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन में योगदान देना। इसमें क्या है, कृषि उड़ान 2.0 को देश भर में 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा। इससे किसान व मालवाहकों और एयरलाइन कंपनियों को लाभ होने की संभावना है। इस उड़ान योजना का उन्नत संस्करण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी आई क्लास और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से तैयार किया जाएगा। यानी आई क्लास और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से इसको तैयार किया जाएगा। यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक और P2C विमानों के लिए लैंडिंग पार्किंग TNLSC और RNFSC शुल्क की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। इसमें ई कुशल यानी योजना के अंतर्गत सतत समग्र कृषि रसद के लिए कृषि उड़ान ई कुशल मंच विकसित करना है, जो सभी हितधारकों को सूचना प्रसारण में सुविधा करेगा। यह एक एकल मंच होगा जो प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही योजना के समन्वय निगरानी और मूल्यांकन में भी सहायता करेगा। ई कुशल का राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकरण का प्रस्ताव भी किया गया है। अब है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के माध्यम के मध्य MOU यानी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत महिलाओं की अगुवाई में चल रहे स्थानीय कारोबार व स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने और उनको ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए भारत के घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर 2 नवंबर को हस्ताक्षर किए। यह MOU फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य कुशल शिल्पकारों बुनकरों और कारीगरों के समुदाय जो पर्याप्त सुविधा से वंचित रहे हैं उनको फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार की पहुंच के साथ साथ ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, तो फ्लिपकार्ट समर्थ ऑनबोर्डिंग कैटलॉगिंग मार्केटिंग अकाउंट मैनेजमेंट बिजनेस इंसाइट्स और वेयर हाउसिंग के सहयोग के साथ समयबद्ध पूरी सेवाएं प्रदान करके स्थानीय समुदायों के कारोबारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। MSME के सहयोग हेतु सिडबी और गूगल के मध्य समझौता हुआ है। समझौता सिडबी और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, MSME को रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका क्या है उद्देश्य है। यह एक सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम है का संचालन करेगी, जो यह जो साझेदारी है करेगी संचालन इसका है कि MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सिडबी द्वारा 18 नवंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार गूगल के साथ इस साझेदारी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को COVID-19 महामारी से संबंधित संकटन के समाधान के लिए 1.5 करोड़ डॉलर के कोष का प्रावधान किया गया है, यानी लगभग 110 करोड़ रुपए। इसके तहत सिडबी द्वारा 25 लाख से 1 करोड़ के ऋण के सूक्ष्म उद्यमों पर लक्षित एक ऋण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ECDB का पूरा नाम है, कि संस्थापना संसद के अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ UP में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है, शिव सुब्रमण्यम रमण है, ठीक है। फिर ESSCPM का वर्ष 2022-23 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5 रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है ECPM यानी इकोनॉमिक
एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये इसका पूरा नाम है, कि एक बैठक गुरुवार 18 नवंबर 2021 को दिल्ली में संपन्न हुई। तो उनका अनुमान क्या है कि 2022-23 के दौरान विकास की वास्तविक वृद्धि दर 7 से 7.5% के बीच में रहने की संभावना इन्होंने जताई है। तो अन्य एजेंसियों की क्या अनुमान है इस संबंध में, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 9.5 घटाकर 9.5 कर दिया गया है। जो पहले 10.5 की वृद्धि का अनुमान लगाया था आरबीआई ने, उसको घटाकर 9.5 कर दिया। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि दर 9.5 और अगले वर्ष 8.5 रहने का व्यक्त किया। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने अपने मैक्रो आउटलुक 2022 नोट में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए अनुमान को संशोधित करके इसे 9.1 कर दिया है। पहले इस कैलेंडर में 2022 के 8% के अनुमान से ऊपर है। फिर भारतीय एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अपनी शोध रिपोर्ट इकोरेप में वर्ष 2022 यानी 21-22 के लिए भारत में जीडीपी का अनुमान संशोधित करके 9.3 से 9.06 की सीमा में रहने का अनुमान व्यक्त किया। इससे पहले यह अनुमान था 8.5 से 9% के दायरे में था। फिर स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज द्वारा 2021-22 के लिए वास्तविक जो जीडीपी है भारत की, उसका अनुमान पहले तो लगाया गया था 8.5% रहने का, फिर उसे संशोधित करके 9.5% कर दिया गया है। अब अगली खबर है, वो है देश के पहले मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर का शुभारंभ। मत्स्य पालन स्टार्टअप का पोषण करने के लिए देश में अपने प्रकार का पहला समर्पित बिजनेस इनक्यूबेटर गुरुग्राम में बनाया गया है, जिसके नीलांक एनसीडीसी मत्स्य पालन व्यापार इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में जिसे जाना जाएगा। 3.23 करोड़ की लागत से बने इस मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया। देश के 4 राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से 10 इनक्यूबेटरों के पहले बैच की पहचान की गई है। उनमें से 6 नवनिर्मित मत्स्य किसान उत्पादन संगठनों से हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान का समर्थन प्राप्त है। महत्वपूर्ण तथ्य, मत्स्य पालन भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है जो 7% वार्षिक की दर से बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने 2025 तक 22 मिलियन टन मछली का उत्पादन करने और 1,00,000 करोड़ रुपए का निर्यात करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत क्या रखा है। स्पेस एक्स ने भारत में शुरू की नई सहायक इकाई। तो जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने 1 नवंबर 2021 को भारत में SSCPL स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकाई प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की है। ठीक है, स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शाखा स्टारलिंक का लक्ष्य दिसंबर 2022 से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। 2,00,000 सक्रिय टर्मिनल सरकार की अनुमति के अधीन होंगे इसमें और 12 अति पिछड़े जिलों में पायलट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इसमें योजना है। साथ ही कंपनी देश के 100 स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है और कंपनी ने बीटा स्टेज में 50 से 150 मेगाबिट प्रति सेकंड की रेंज से डेटा स्पीड देने का दावा किया है। उल्लेखनीय है कि स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं स्पेसएक्स कंट्रोल करती हैं, जो एक एरोस्पेस कंपनी है। स्पेसएक्स की स्थापना कब हुई थी, 2002 में हुई थी। किसने की थी, एलन मस्क ने की थी। ठीक है, ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ इन शॉर्ट में। तो जी डी ए एम क्या है, तो
तो यह है बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा खरीदने या बेचने में सक्षम बनाने वाला एक नया बाजार खंड है। केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? आर के सिंह है, जिन्होंने इस ग्रीन डे अहेड मार्केट को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। विशेष बात इसमें यह है कि भारत विश्व का एकमात्र बड़ा बिजली बाजार है जिसने विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी GDAAM लागू किया है। अगला है कि इनोवेशन फॉर यू विभिन्न क्या है ये डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिट बुक है जिसे नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। अब मेटा, तो आपको पता ही होगा कि मेटा सोशल मीडिया कंपनी जो फेसबुक है उसने अपना नाम बदलने की घोषणा कब की थी? 29 अक्टूबर 2021 को की थी। इसके साथ ही फेसबुक अब अपना नाम क्या करेगी? मेटा प्लेटफॉर्म इसने अपना नाम कर लिया है। और नाम परिवर्तन का यह निर्णय कंपनी के मेटावर्स नामक नई सराउंड योर सेल्फ तकनीक विकसित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमारसेट क्या है? ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर इनमारसेट को विमानों और शिपिंग जहाज़ों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत की मंजूरी अक्टूबर 2021 में मिल गई है। इसके साथ ही लंदन में स्थित कंपनी इनमारसेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड बेचने के लिए भारत से स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी ऑपरेटर बन गई है। कौन? इनमारसेट बन गई है, जो कहाँ की है? लंदन की है कंपनी ये। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिणी रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन, भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। और 11 मई 1994 को शुरू की गई चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिणी रेलवे में पहली ISO 9001 से 2001 प्रमाण पत्र प्राप्त ट्रेन है, यानी 19 जून 2007 में इसको ये प्राप्त हुआ था। इंटरनेट एक्सचेंज केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन 1 नवंबर को किया। यह भारत में NIXI का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज है। इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से ISP में और ISP तथा CDN के बीच इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए वर्ष 2003 से काम कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा गुरुग्राम में खाद्य सुरक्षा संस्थान FCI में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन 20 नवंबर 2021 को किया गया। यह खाद्यान्न के नमूने के घरेलू परीक्षण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला है। SCLCSS ऋण से जुड़ी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना है। ये सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में STSC के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान यानी सब्सिडी दिए जाने का इसमें प्रावधान है। SCLCSS का शुभारंभ केंद्रीय एमएसएम
ई मंत्री नारायण राणे द्वारा गुवाहाटी में पूर्वोत्तर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन के दौरान 19 नवंबर 2021 को किया गया। RBL भारतीय रिजर्व बैंक, लेखा महानियंत्रक और वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर RBL बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व में रत्नाकर बैंक के नाम से प्रसिद्ध RBL बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। TVS मोटर तो दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सबसे बड़े निर्माताओं में से एक TVS मोटर कंपनी अब मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांत का समर्थन करेगी 10 सिद्धांतों का समर्थन करेगी। वस्तुतः TVS मोटर कंपनी ने विश्व की सबसे बड़ी स्थिरता पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की घोषणा की है। इसके साथ ही यह कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता बन गई है। भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने मेघालय राज्य के लिए $40 मिलियन की स्वास्थ्य परियोजना पर 28 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से राज्य के सभी 11 जिले लाभान्वित होंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। अगली जो पॉइंट है वो है कि इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा 17 नवंबर को साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत विश्व के कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसी के साथ देश दुनिया में स्पंज आयरन व DRI का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ चीन के बाद दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता भी बन गया है। NTPC और इंडियन ऑयल ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने और कम कार्बन उत्सर्जन की आपूर्ति के अवसरों का पता लगाने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर 12 नवंबर को हस्ताक्षर किए हैं। अगला खबर है कि RBI ने बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क जारी किया है। संशोधित PCA फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि APCA फ्रेमवर्क का उद्देश्य उचित समय पर निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप को सक्षम करना है। अब है प्रादेशिक परिदृश्य, जिसमें राजस्थान का है। राजस्थान देश का सबसे गरीब 8वां राज्य बन गया है। तो नीति आयोग द्वारा 27 नवंबर 2021 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, बिहार, झारखंड, UP, MP, मेघालय, असम, छत्तीसगढ़ के बाद देश का 8वां सबसे गरीब राज्य है। राजस्थान में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत 29.46% है। प्रदेश में बहुआयामी गरीबी जिलेवार दे रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक के। अब है राजस्थान मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को ने शपथ ग्रहण की है। वर्ष भर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया, जिसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 20 नवंबर 2021 को शपथ दिलाई गई। तो 3 मंत्री पदोन्नत हुए हैं। इसमें शपथ लेने वाले 3 पूर्व राज्य मंत्रियों ममता भूपेश, टीकाराम जूली और भजन लाल को पदोन्नत करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय और रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश बेरवा, भजन लाल जाटव, टीकाराम जूली
और गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत। शपथ लेने वाले राज्य मंत्री कौन है? ये चार हैं, ब्रजेंद्र सिंह ओला, मुरारी लाल मीणा, राजेंद्र गुड़ा और जाहिदा खान। इस पुनर्गठन के साथ ही राजस्थान राज्य परिषद के सभी 30 पद भरे जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है। अब है कि 6 विधायक मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के अतिरिक्त 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से 20 नवंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार कांग्रेस विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा तथा दानिश अबरार और निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजस्थान संभवतः पहली बार जब विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब तक मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में पूर्व आईएएस या विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता था। विशेष इसमें यह है कि इससे पूर्व प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल रघु शर्मा, जो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद व भारतीय चिकित्सा विभाग और चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, सूचना व सार्वजनिक संबंध विभाग इनके अंतर्गत आते थे, और हरीश चौधरी और राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और देवस्थान विज्ञान ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसे राज्यपाल द्वारा 20 नवंबर 2021 को स्वीकार कर लिया गया था। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद मंत्रियों को उनके विभागीय कार्यभार 22 नवंबर 2021 को सौंप दिए गए। राजस्थान सरकार की नवीनतम पुनर्गठित मंत्रिपरिषद की ये लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जयपुर हेरिटेज 32वें स्थान पर रहा है। तो केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देश के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम 20 नवंबर 2021 को घोषित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणामों के अनुसार जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 3482 अंकों के साथ 32वीं और नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने 3327.86 अंकों के साथ 36वीं रैंक प्राप्त की। यह रैंकिंग 10 से 14 लाख की आबादी वाले 48 शहरों में आई की गई। वर्ष 2020 में जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े होने से जयपुर नगर निगम की वर्ष 2020 में रैंक 28वीं थी। जयपुर को सफाई के मामले में 72% अंक प्रदान किए गए हैं और जोधपुर उत्तर को 35वीं और तथा कोटा उत्तर को 48वीं रैंक प्रदान की गई है। जयपुर को वर्ष 2020 में 28वां, 2019 में 44वीं और 2018 में 39वीं और 2017 में 21वीं रैंक प्राप्त हुई थी। इसमें पुरस्कार क्या है? राजस्थान को एकमात्र पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र के 25,000 से 50,000 जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार डूंगरपुर को प्रदान किया गया था।